वर्मा सुई सवेर के सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ स्पीकिंग यूथ का नया एपीसोड। अज आप पहुँचे कि स्कूल के सरकारी स्कूल के मूहरे जिते पूछांगे कुछ विद्यार्थियों नाल गलबात करांगे कि उन्होंने 6-7 महीने बाद स्कूल आ गए किवें लग रहा है और उन्होंने ऑनलाइन क्लासा का तजुर्बा किस तरह का रहा, सारा कुछ गलबात करांगे। तो कुछ देर च कुछ विद्यार्थी बाहर आएंगे तो उन्होंने कुछ गलबात करांगे। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, मैं +1 मेडिकल का स्टूडेंट हाँ। तो एक गल दसो, 6 महीने लगभग 6-7 महीने बाद स्कूल च आके किस तरह का लग रहा थानू? मैनू बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहला तो वेखो 6 महीने बाद भी आके सेम का माहौल है और उसके बाद टीचर्स की इंस्ट्रोडक्शंस भी मिली है और साथ साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल भी लग रहा है क्योंकि टीचर्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है और यानी कहने अच्छा लग रहा है। एक और गल दसो मैं, जिवें ऑनलाइन क्लासा चलिया किस तरह का तजुर्बा रहा थोड़ा? ऑनलाइन क्लासा च बहुत अच्छा रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लासा च बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑनलाइन क्लासा च एक तो ऐप है भी, ऑनलाइन क्लासा का सानू प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है टीचर्स से और घर बैठे बैठे विदाउट एनी उसके क्या बोलते हैं उसको भी डेंजर के हम घर बैठे बैठे सारी स्टडी कर सकती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है ऑनलाइन स्टडीज करके। आप स्कूल आना चाहोगे तो सी जस्ट ऑनलाइन स्टडी करना चाहोगे? स्कूल आना ही चाहूँगा सर मैं, क्योंकि स्कूल में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है और टीचर्स की इंस्ट्रोडक्शन मिलेगी और टीचर्स के साथ खुलेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है। तुम्हारा नाम की है? पुष्पिंदर जी सिंह। तो कि क्लास +1 मेडिकल। +1 मेडिकल। तो किस तरह का लग रहा है तो 6-7 महीने बाद स्कूल आके? सानू बहुत वधिया लग रहा है स्कूल आना। और ऑनलाइन स्टडी का तजुर्बा किस तरह का रहा थोड़ा? बहुत वधिया रहा। कुछ नवा सीखा असी घर बैठ के असी जिवें मैडम तो बहुत कुछ सीखा घर बैठ के। ओके जी, और स्टूडेंट नाल गलबात करते हैं, तुसी दसो तुहाडा नाम की है पहला? प्रकाश। प्लस वन मेडिकल। 6 महीने बाद स्कूल च आके किस तरह का लग रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे हमें इतने सालों बाद हमें स्कूल आने का इतने महीनों बाद हमें स्कूल आने का मौका मिला, हमें फ्रेंडली टीचर्स मिले, फ्रेंड्स मिले नवे और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑनलाइन स्टडी दे बारे थोड़े की राय है, किस तरह का रहा? ऑनलाइन स्टडी भी वैसे बहुत अच्छी रही है क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में कई टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता और बिना कोई खतरे के, ऐसी महामारी चल रही थी और बिना किसी खतरे के उसे हमने किया पढ़ाई। आगे की प्रेफर करोगे, स्कूल आना प्रेफर करोगे या ऑनलाइन स्टडी? स्कूल आना प्रेफर करेंगे। नहीं कि किस गलते? क्योंकि जी फ्रेंडली टीचर्स मिले और इतने दिनों बाद घर पे हम बोर रहे थे इसी करके। 6-7 महीने बाद स्कूल आ गए तो हमें किस तरह का लग रहा है? 6-7 महीने बाद मैंने स्कूल आ गए बहुत बढ़िया लग रहा है। और क्या किस दोस्तों नाल मिलके किस तरह लगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? दोस्तों नाल मिलके बहुत बढ़िया लगे, पर यह है कि साढ़े स्कूल में मतलब पूरी सेफ्टी नाल गल दूर दूर बैठाए जाते हैं, डिस्टेंस नाल बैठते हैं, मास्क लगा रखते सारे तो सैनिटाइज करते रहते हैं। ठीक है, एक चीज़ दसो, ऑनलाइन स्टडी की होगी तो 6-7 महीने से तो ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करोगे या स्कूल से आना प्रेफर करोगे? ऑनलाइन स्टडी में यह है कि कुछ समझ आता नहीं अच्छी तरह, स्कूल में आके थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो तुम स्कूल में आना प्रेफर करोगे? ओके, और तुम्हारा तजुर्बा किस तरह का रहा ऑनलाइन क्लासा का? ठीक रहा जी। की कुछ सीखा नवा कुछ सीखा ऑनलाइन क्लासिंग से? बहुत सीखा जी, पर समझ नहीं आता सी। तो स्कूल आना प्रेफर करोगे तुम? सही है। और किस तरह का तजुर्बा रहा पहले 2-4 दिनों से आके स्कूल में? ठीक रहा जी। सेफ्टी मेजर्स बारे की दसोगे? सेफ्टी भी ठीक है जी, सैनिटाइजर सारा स्कूल कर दिता जी, बाकी मास्क मुस्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज लगाते हैं जी, सैनिटाइजेशन होता है। थैंक यू। तुसी दसो 6-7 महीने बाद स्कूल च आके किस तरह? 6-7 महीने बाद स्कूल च आके बहुत चंगा लग्या, स्कूल पूरा सैनिटाइज होया हुआ है ते असी भी अपने 5-5 मिनट बाद हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं ते मुंह ते मास्क रखते हैं। ऑनलाइन स्टडी का तजुर्बा किस तरह का रहा? ऑनलाइन स्टडी का तजुर्बा अच्छा रहा, पर जो कंसैप्ट स्कूल च आके चंगी तरह समझ आता है वह घर नहीं आता।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਹਮੇਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਹਮਾਰਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਸਾਰੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? ਔਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਵੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਥੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ, ਤੋ ਅਬ ਜੈਸੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਅਬ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਹਮ ਮੈਡਮ ਸੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫਸਟ ਦਿਨ ਆਏ ਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਸਭ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ। अब सबसे एक सवाल है कि आपके पेरेंट्स तैयार हो गए थे आपको स्कूल भेजने के लिए? तैयार हो गए थे पेरेंट्स? नहीं, पहले तो मतलब वो कह रहे थे कि नहीं, मना कर रहे थे। हाँ जी, फिर उन्होंने मतलब कहा कि अब चलो कोई नहीं, स्टडी भी है ज़रूरी है, तो उन्होंने फिर क्या कि चलो जाओ। आपके पेरेंट्स तैयार हो गए थे स्कूल भेजने के लिए? पहले तो हुए नहीं, उस तो बाद उन्होंने थोड़ा फील होया कि स्टडी जरूरी है, उस तो बाद उन्होंने हाँ कर दी।